sukesha cha bharatva jah. Shaivyascha satyakamaha. Saurjayani cha gargyah. Kaushalyascha shvalayanaha. Bhargavo vaidarbhihi. Kabandhi katyayanaha. Tehaite. Brahma para brahmanishthaha. Param brahman vishamanaha. Isha vai tat sarvam bhakshati iti. Teha samitpanayaha bhagavantam pippaladam upasannaha. Tan hasarshiruvacha. Tan hasarshiruvacha. Bhuya eva tapasa brahmacharyena sraddhaya. Samvatsaram samvatsyatha. Yatha kamam prashnan prachata. Yadi vijnasyamaha. Sarvam havo vakshamaiti. Sarvam havo vakshamaiti. Tanevam upagatan. Hasakila. Rishiruvacha. Bhuyaha punareva. Yadyapi yuyam purvam tapasvinaha. Eva tapasa indriya sanyamena. Tathapiha visheshataha. Brahmacharyena sraddhaya cha. Astikya buddhya daravantaha. Samvatsaram kalam samvatsyatha. Samyak guru susrusha paraha. Santaha vatsyatha. Tato yatha kamam. Yo yasya kamaha. Tamanatikramya yatha kamam. Tamanatikramya yatha kamam.
yadvishaye yasya jignyasa tadvishayan prashnan prachata. Yadi tad yushmat prishtam. Vijnasyamaha anuddhatattva pradarshanarthah yadi shabdah na jnana samshayarthah prashna nirnayadavasiyate sarvam havo vah prushtam vakshamaiti tan hasarashirvacha tan evam upagatan. इस प्रकार से जो शिष्य महर्षि पिपलाद की शरण में पधारे थे, इस प्रकार से मैंने समित्पाण यह ये विधि का चिन्ह है। विधिवत गुरुपसत्ति का एक चिन्ह है कि शिष्य हाथ में समिधा ले करके तो सद्गुरु के शरण में जाता है। अगर उसने हाथ में समिधा ली है तो इससे यह चिन्हित होता है, इससे ये लक्षित होता है कि मैं एक जिज्ञासु हूँ, आपकी शरण में हूँ, आपकी शुश्रूषा में समर्पित हों। सो एक प्रतिबद्धता का, एक समर्पण का, इतना ही नहीं जिज्ञासा पूर्वक समर्पण का ये प्राचीन काल में चिन्ह माना जाता था। तो विधिवत उपसन्नः ये श्रुतियों में कई बार आता है, तो विधिवत का भी प्राय यही है। कम से कम अपनी दो वृत्तियों का संकेत करते हुए, एक तो ये कि मैं जिज्ञासु हूँ, दूसरा ये कि मैं प्रतिबद्ध हूँ और आपकी शुश्रूषा में समर्पित हूँ। आपको आज्ञा देने वाला मान करके स्वयं को आज्ञा लेने वाला मान करके एक मैंने सोच समझ करके उसमें एक प्रतिबद्धता की स्थिति अनुभव करते हुए मैं आपकी शरण में आया हूँ। इसको बोलते हैं विधिवत उपसन्नः। माने ये एक कोई साधारण मिलन नहीं है, कैजुअल मीटिंग अथवा कोइंसिडेंट ऐसा नहीं है। जिज्ञासु बहुत गंभीर है अपनी जिज्ञासा को लेकर के, और उसकी गंभीरता का लक्षण ये है कि उस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए जो जो करणीय है वो करने में उसकी तत्परता है। उसी जिज्ञासु ने ये जानकारी प्राप्त की, चाहे जिन स्रोतों से प्राप्त की, लेकिन यह जानकारी प्राप्त की
कि कोई अमुक आचार्य हैं जो हमारी जिज्ञासा की शांति अवश्य करेंगे, निश्चित रूप से वहाँ हमारा समाधान होगा। और इसलिए वह जिज्ञासु इतनी जानकारी के साथ ही यहाँ पर पहुँचा है। इस संबंध में एक प्रतिबद्धता है, एक कमिटमेंट है। इन सब बातों को व्यक्त करने के लिए, इन सभी बातों को लक्षित करने के लिए, इन सभी बातों को चिह्नित करने के लिए जो चिन्ह माना गया, बनाया गया, वो बड़ा ही साधारण सा चिन्ह है, लेकिन चिन्ह तो चिन्ह होता है, उसके पीछे संकेत क्या हैं उन्हीं की महिमा होती है। जिन चिन्हों से वो बातें सामने लाई जाती हैं, उन चिन्हों की अपनी ओर से कोई विशेष कीमत नहीं होती। द्रव्य की कीमत से चिन्ह की कीमत होती नहीं। राष्ट्रध्वज उठाया जाता है, साधारण वस्त्र है, लेकिन वह चिन्ह है कि राष्ट्र आज कोई उत्सव मना रहा है, राष्ट्र के जीवन में कोई हर्ष का विषय है, उसने कोई मेडल जीता है। ध्वज को झुका दिया जाता है तो वह चिन्ह बनता है कि कोई राष्ट्रीय शोक की स्थिति है। चिन्हों की यही स्थिति है। हमारे कौटुंबिक जीवन में विवाह संस्कार होता है, चिन्ह तो साधारण ही होते हैं, लेकिन वो चिन्ह एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता का, एक विशेष संबंध का प्रमाण बन जाते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करने वाला ब्रह्मचारी, उसका चिन्ह क्या है? तीन धागे यज्ञोपवीत धारण कर लिया, बहुत हो गया। शिखा सूत्र है उसके पास, बस। लेकिन इससे जो संकेत मिलता है वो बहुत व्यापक है कि अब ये वैदिक हैं, वेद के अनुशासन में रहने वाले हैं, संध्या वंदन करेंगे। हाँ, तो चिन्हों का महत्व तो समझना चाहिए। तो यहाँ समित पाणी ही एक एक संकेत मात्र है शिष्य की प्रतिबद्धता का। और जब वो लोग गए हैं और उनके चित्त की श्रद्धा कैसी है, बोलते हैं एषः वै तत् सर्वं वक्षति इति। ये जो हमारे आचार्य हैं, ये सभी कुछ बताने में, व्याख्या करने में समर्थ हैं। इस भावना के साथ, इस श्रद्धा के साथ वो लोग समर्पित हुए। तो ऋषि ने तान, तान माने सर्वान नहीं, तान माने एवं उपगतान। इस प्रकार से जो समर्पित हुए शिष्य हैं, तान एवं उपगतान, ये शब्द महत्व का है। पिछले शब्द, पिछले श्रुति से इसका संबंध बन जाता है। तान एवं उपगतान हस किल, ये निपात है वेद के, ह को किल उसका अर्थ किया। हस किल निरर्थक निपात है। स मने स ऋषि,
उस ऋषि ने, पिप्पलाद ऋषि ने उवाच कहा, तान एवं उपगतान शिष्यान स पिप्पलाद ऋषि ही उवाच कहा, क्या कहा, श्रुति देखना, भूय एव संवत्स्यथ, भूय एव, भूय एव माने और भी, फिर भी, फिर भी का अभिप्राय क्या हुआ, अभिप्राय ये हुआ कि यद्यपि यूयम पूर्वम तपस्विनः एव, ये अभिप्राय भूय शब्द का, कि हालांकि आप लोग पहले से ही तपस्वी हो, एक तरह से स्वीकृति है, यूयम पूर्वम एव तपस्विनः एव, आप सभी लोग वास्तव में हो तो तपस्वी कैसे आप लोग जीवन जीते रहे हो दिखाई देता है, तपसा, तपसा शब्द का अर्थ देखना, तपसा इंद्रिय संयमेना, ये प्रामाणिक वाक्य हैं, यहीं से आपको मार्गदर्शन लेना चाहिए तपसा इंद्रिय संयमेना माने इंद्रियक व्यवहार में जितना अधिक से अधिक संयम हो सकता है, जितना अधिक से अधिक मर्यादा का पालन हो सकता है, जितना अधिक से अधिक औचित्य को साधा जा सकता है, जितना अधिक से अधिक संतुलन बनाया जा सकता है, तो समझना चाहिए कि वेदांत के संदर्भ में वो एक तपस्या है। इंद्रिय संयमेन का अभिप्राय हुआ व्यवहारिक संयम, इंद्रियक व्यवहार संयमित हो, बोलने में संयम हो, तो वागेंद्री का संयम है। वागेंद्री का संयम कोई दीवाल से थोड़ा बोलता है, जब आप लोगों के साथ व्यवहार करते हो उस समय, उस व्यवहार के समय, व्यवहार काल में, व्यवहार के समय जो संतुलन है, व्यवहार के समय जो मर्यादा में रहने की स्थिति है, वह संयम है। वाक संयम का अभिप्राय यह नहीं होता कि कम बोलना या ज्यादा बोलना या मौन रहना, ये नहीं। वाक संयम का अभिप्राय है वाणी का व्यवहार हम अनेक लोगों के साथ करते हैं, जिन लोगों के साथ जैसी मर्यादा मांग करती है ना, छोटों के साथ, बड़ों के साथ, बराबरी वालों के साथ, इसको बोलते हैं वाक संयम। आप मानो कोई आदरणीय व्यक्ति है, कोई पूछ रहा है, आप वाक संयम में लगे हो, वाक संयम माने फिर मौन हो, नहीं बोलते हो, क्या मैं वाक संयम में हूँ। संयम का अभिप्राय ये होता है कि इंद्रिय व्यवहार को निरुद्ध कर दिया जाए। संयम पर हम लोगों ने चर्चा एक बार कर चुके हैं, एक बार गीता जी के संदर्भ में। इसी तरह से क्रिया संयम है, जहां जितना करना चाहिए, जैसे करना चाहिए, जिसके संदर्भ में हमारी जैसी मर्यादा बनती है, उसके संदर्भ में, इस टेबल को ठीक करो, खुद करना चाहिए ना आप लोग प्रमाण बोलते हैं इसको ये है अमर्यादा, इसको बोलते हैं अमर्यादा, जहां जैसा। अब इसमें इंद्रिय संयम तो हमने कुछ भंग नहीं किया, यही गलत समझ है इंद्रिय संयम के बारे में। जो आपका, आपका हमारा जो व्यवहार है वो मर्यादा में है, नहीं है,
बोलना, देखना, सुनना, चलना, सारी क्रियाएं इंद्रियक व्यवहार पूर्ण रूप से मर्यादित हो जाए, पूर्ण रूप से उचित हो, संतुलित हो, शास्त्र सम्मत हो, मधुर हो, दूसरे को सुख दे, शांति दे, हितकारी हो, तब वह तपस्या है। देखना भी तपस्या है। यदि हमारे देखने से कोई मर्यादा भंग होती है, यदि हमारे देखने में औचित्य भंग होता है, यदि हमारा देखना कहीं ज्यादा हो गया, संतुलन नहीं रहा, एक एक भाव भंगिमा सभी की सभी मर्यादा अनुसार हो जाए, औचित्य के अनुसार हो जाए और उसमें मधुरता बनी रहे, ये बहुत जरूरी है। व्यवहार में माधुर्य की सिद्धि होनी चाहिए, व्यवहार में हित भावना ओतप्रोत होनी चाहिए, बल्कि हिंदू धर्म तो हित प्रधान धर्म है, करुणा प्रधान नहीं है, अहिंसा प्रधान नहीं है, सेवा प्रधान नहीं है, प्रार्थना प्रधान नहीं है। इस्लाम को बोलते हैं प्रार्थना प्रधान धर्म, आता है, समझ में आता है। 5 बार नमाज पढ़ते हैं अगर सच्चा कोई इस्लामी हो तो, वो प्रार्थना प्रधान धर्म है। ईसाई धर्म को बोलते हैं सेवा प्रधान धर्म, जैन धर्म को लोग बोलते हैं अहिंसा प्रधान धर्म। तो एक एक चीज की प्रधानता से धर्म है। हिंदू धर्म हित प्रधान है, बस एक परिभाषा ध्यान में रखिए। हिंदू धर्म का मूल भाव क्या है, मूल तत्व क्या है, बोले हित भावना। अगर सामने वाले के हित की सिद्धि होती है तो हिंसा भी स्वीकार्य है। बच्चे का हित होता हो तो माता उसकी ताड़ना कर सकती है, गुरु ताड़ना कर सकता है, डॉक्टर अंग छेदन कर सकता है। ये हित की प्रधानता है, अहिंसा भी उसमें शामिल है और हिंसा भी उसमें शामिल है, युद्ध भी शामिल है, शांति भी शामिल है। श्री राम प्रभु परम शांत हैं, युद्ध भी कर सकते हैं, सेवा भी शामिल है, उपेक्षा भी शामिल है। माने एक एक चीज को लेकर के हिंदू धर्म नहीं चल रहा है, उसकी मूल भावना है हित की प्रधानता। तो अगर सच में कोई सही सही मायने में हिंदू होना चाहता है तो उसका अभिप्राय है कि उसके व्यवहार में हित भावना ओतप्रोत हो, मर्यादा के साथ साथ, संतुलन के साथ साथ, शास्त्रीय मर्यादाओं का अनुपालन करने के साथ साथ जो माधुर्य है वो बना रहना चाहिए और जो दूसरे के हित की बात है वो बनी रहनी चाहिए। मैं इसलिए इसको बोल रहा हूँ, कई बार हम लोगों की समझ थोड़ी सी अलग हो जाती है। वो क्या है कि मैं शास्त्रीय आचरण के नाम पर कई बार कठोर हो जाता हूँ, रुक्ष व्यवहार भी हो जाता है दूसरे के प्रति, कदाचित हे बुद्धि, तिरस्कार बुद्धि,
निंदा बुद्धि का भी प्रादुर्भाव होता है। ये व्यक्ति तो अशास्त्रीय है, अमर्यादित है, तो एक निंदा हो गया। अपने में उच्च भावना के होने का एक दुष्परिणाम ये निकला कि दूसरा व्यक्ति निंदनीय है, नीच है, तिरस्करणीय है। जब एक बार चित्त में इस तरह का ध्यान नहीं देने से चीजें क्रिपअप करती हैं, भीतर चलती रहती हैं, और जब इस तरह की बुद्धि बनती है तो हम जानते भी नहीं हैं कि हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में इस तरह की चीजें बराबर आ रही हैं। इतिहास में ऐसा हुआ, हमारे जो उच्च जाति के लोग रहे उनके साथ ऐसा हुआ, ये दुर्घटना घटी। उनको किसी ने ये नहीं कहा था कि दूसरों को आप नीच समझो, शास्त्र ने नहीं कहा था कि आप दूसरों को नीच समझो, लेकिन वो तो बस थोड़ा नहीं बढ़ता ही गया और बढ़ता ही गया, और इतना बढ़ा कि बस दूसरा व्यक्ति तो पशु माने मनुष्य ही नहीं है जैसे। इस तरह का व्यवहार इतिहास में किया गया, इसको मना नहीं कर सकते। फिर उसका प्रति आंदोलन होता है फिर, और वैसे ही धर्म भ्रष्टता है वो। तो व्यवहार में हित भावना जैसे चूक गई तो व्यवहार अशुद्ध ही है। व्यवहार में अगर माधुर्य को हम संभाल नहीं पा रहे हैं तो वह व्यवहार अशुद्ध ही है, वह तपस्या नहीं कही जा सकती। यहां देखो, तपस्या का कोई क्रिया विशेष अर्थ नहीं लिखा। क्या लिखते हैं? तपसा, ग्रंथ देखें, भाष्य देखें, तपसा इंद्रिय संयमेन, माने पिपलाद ऋषि शिष्यों को एक तरह से शाबाशी देते हैं कि आपका जो जीवन है वो बड़ा ही संयमित रहा है, ये मैं स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार हूं। आप तपस्वी तो हो लेकिन आपके जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं है, और आपके जीवन में श्रद्धा की न्यूनता है। ये देखो, यद्यपि यूयम पूर्वम एव तपस्विनः, किंतु यहां पर तथापि यह विशेषतः, देखना ध्यान से, यह विशेषतः माने अब आप गुरुकुल में आए हो, एक जिज्ञासा लेकर के आए हो, तो अब यहां पर दो और चीजें आपको विशेष रूप से पालन करनी पड़ेंगी, उसको अपने जीवन में सिद्ध करने की जरूरत पड़ेगी। यदि वो आप नहीं कर पाते हो तो केवल व्यवहारिक संयम से, अथवा कहिए इंद्रिय संयम से, अथवा कहिए तपस्या से, अथवा कहिए तपस्या से, क्योंकि क्रम है तपस्या का, केवल तपस्या से वो लाभ आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। भाष्यकार ने श्रुति के प्रकाश में हमारे सामने जो बात रखी वो ये है कि व्यवहारिक संयम इज नॉट एवरीथिंग। आया, निष्पत्ति मिली? जो ऐन्द्रियक संयम है, व्यावहारिक संयम है, व्यवहारिक कुशलता है सपोज, या कहिए व्यावहारिक सज्जनता है, दैट इज नॉट द एंड। वो सब कुछ नहीं है। उन शिष्यों में वो बात थी, तपस्या पहले से थी, इसीलिए भूय शब्द का प्रयोग किया श्रुति ने कि ये है आप में, वो ठीक है,
लेकिन यह गुरुकुले, अब आप गुरुकुल में आए हो तो दो और चीजें जो आप में कमी दिखाई देती है उसका अनुष्ठान करो, उसको सिद्ध करो अपने जीवन में। क्या है वो? ब्रह्मचर्येण श्रद्धयाच। यहां पर अब ब्रह्मचर्य और श्रद्धा पूर्वक थोड़ा रहो, जीवन में इन चीजों को सिद्ध करो। क्या है वो? ब्रह्मचर्य श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ पहले करते हैं आस्तिक बुद्धिया। आस्तिक बुद्धि का अभिप्राय क्या है? सज्जनता में विश्वास, किसी के ज्ञान में विश्वास, किसी के हित भाव में विश्वास, किसी की भलाई में विश्वास। आस्तिक की बुद्धि माने ईश्वर में विश्वास, ये भाव मत लेना क्योंकि वो तो पहले ही है ब्रह्मनिष्ठ हैं, अपर ब्रह्म में उनकी पूरी निष्ठा है, पहले से ही है। तो आस्तिक की बुद्धि का अर्थ होता है अस्ति। किम अस्ति? सज्जनता अस्ति, हित भावना अस्ति एव। जो हमारे आसपास लोग हैं, जो हमारे आसपास का समाज है, जो हमारे सद्गुरु हैं, उनके ज्ञान में अस्ति भाव, नास्ति भाव नहीं, उनके हमारे प्रति हित भावना में अस्ति भाव, करुणा भावना में अस्ति भाव, और जो समाज है वहां भी यह भाव कि समाज में सज्जनता अभी भी दुर्जनता से अधिक है, इसको बोलते हैं आस्तिक की बुद्धि। प्रत्यक्ष जगत से इतर प्रत्यक्ष जगत को भी सही रास्ते पर रखने वाला कोई दैवी जगत है, दैवी सत्ताएं हैं जो जगत को हमारे गड़बड़ करने पर भी संभालती रहेंगी। ये दुनिया हमारे ही ऊपर छोड़ नहीं दी गई है, यह अस्ति भाव। तो आस्तिक की बुद्धि व्यापक होती है, बड़ी चीज होती है। आजकल उसको लोग बोलने लगे हैव ए पॉजिटिव थिंकिंग। आई डोंट नो व्हाट दे अंडरस्टैंड अबाउट दिस वर्ड। रिमेन पॉजिटिव शब्द अच्छा है लेकिन उसका भाव थोड़ा सा एक्सप्लेन होना चाहिए। आस्तिक की बुद्धि, अब कोई दुष्ट भी हो ना तो अस्ति बुद्धि क्या कह रही है कि इसकी दुष्टता के भीतर कहीं न कहीं सज्जनता विद्यमान है और ये कभी भी पूरी तरह से दुष्ट हो नहीं सकता। इस आस्था के साथ, इस अस्ति बोध के साथ व्यक्ति जब जीना शुरू करता है तो उसके चित्त में एक रस होता है, और जब इसका उल्टा हो जाए तो उल्टा तो ऐसा होगा कि ये सज्जनता के पीछे, हाँ ये तो है तो दुष्ट ही बेसिकली, बाहर से सज्जन होने की कोशिश कर रहा लेकिन है बड़ा ही दुष्ट आदमी। लो, पूरी दुनिया स्वार्थी है, कोई हित भावना रखने वाला हो ही नहीं सकता, असंभावना है। बोले कोई न कोई तो स्वार्थ होगा, बोल भले न रहे हो। जब नास्तिक की बुद्धि होती है तो इस तरह का एक चित्त में अस्वीकृति की स्थिति है। यहां क्या बोलते हैं? आस्तिक की बुद्धि, श्रद्धा से साल भर रह के दिखाओ,
सिद्ध करो कि हमारे भीतर आस्तिक की बुद्धि है, नास्तिक की बुद्धि नहीं है। और आस्तिक की बुद्धि का परिणाम क्या है, लक्षण क्या है, आदर बनता है। अगर आप भलाई देख रहे हो, अगर आप सज्जनता देख रहे हो, अगर आप दूसरे का हितभाव देख रहे हो, तो जो हमारे भीतर स्वाभाविक परिणाम होगा वृत्ति में, वो होगा कि आदर होगा। आई विल बी रिस्पेक्टिंग पीपल रादर रिजेक्टिंग पीपल। एक रेवरेंस सबके प्रति, एक माधुर्य सभी के प्रति, है ना, एक अदब सभी के प्रति होनी चाहिए। सद्गुरु के ऊपर तो खैर बहुत, लेकिन उतने से इति नहीं होती है, क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं वहां अगर सभी में आस्तिक की बुद्धि है तो वो सभी के प्रति ही हमारे व्यवहार में एक प्रकार का आदर झांकते रहना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारे जीवन में रुक्षता है, बस ये तो निष्पत्ति ऐसी निकल आई। यदि हमारे जीवन में रुक्षता है, इसका अभिप्राय है कि हमारे भीतर आस्तिक की बुद्धि वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। अगर हमारे भीतर माधुर्य है, आदर भाव है, तभी ये सिद्ध होगा कि हमारे भीतर आस्तिक की बुद्धि है। श्रद्धया आदर बनता है, क्या भाष्यकार की पंक्तियां हैं, जीवन बना देने वाली पंक्तियां। आस्तिक की बुद्धि ही है, आस्तिक के बुद्धि ही आदर बनता। एक तो इस तरह से रहो। और ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है, बोलते हैं सम्यक, हमने कल भी बोला था, अब भाष्य में देख लो, सम्यक गुरु शुश्रूषा पराहा संत। तो सदगुरु की शुश्रूषा परायण हो करके, सुविधा परायण हो के नहीं, है ना, पैम्परिंग द बॉडी इज नॉट द वे ऑफ लिविंग इन गुरुकुल। गुरुकुल में शरीर को, शरीर के नखरों को रिझाने के लिए कोई नहीं रहता है। बढ़ करके सेवा में हिस्सा लेने का भाव होना चाहिए, तत्परता होनी चाहिए, वृत्ति तो ये होनी चाहिए ना, तत्पराह। देखो पराह शब्द लिखा, गुरु शुश्रूषा पराह संत। बी सिंसियर, बी अ ट्रू ब्रह्मचारी, बी अ ट्रू जिज्ञासु। ऐसा धीरे धीरे तो आदमी को अपना बदलना ही चाहिए। कहाँ कहाँ आदमी ने सुना है, सत्संग किया है, नोशंस बनाए हैं, मान्यताएं बनाई हैं, उन्हीं मान्यताओं के अनुसार हम नियंत्रित होते रहे हैं, लेकिन अब तो शास्त्र की शरण में है हमारे पास सामने, और वो भी सर्वोच्च शास्त्र है, श्रुति, भगवद गीता, शंकर भाष्य। अब आपका मार्गदर्शक जो है वो हारमोनियम बजा के कोई कथा करने वाला नहीं हो सकता। अब आपका जो मार्गदर्शक है वो देखो ये चतुराई वो नहीं है, चतुराई ये है कि व्यक्ति आखिरी श्वास तक उसमें तत्पर रहता है। ध्यान रखना, जो देने वाला है हम सब उसकी नजर में हैं, और वो हमारी जैसी जाकी चाकरी तैसी वा को दे।
उसके साथ कोई चतुराई नहीं कर सकता। एवरी सिंगल पर्सन इज अंडर वॉच। तो चतुराई फिर किसमें है वो परिभाषा बदल जाएगी। बोलते हैं ये देखो, इसीलिए ब्रह्मचर्य शब्द लोक में अलग अर्थ में लिया जाता है। यहां देखो उसका मतलब क्या है, क्योंकि संवत्सरम संवत्स्य था, एक वर्ष रहो, तो क्या वीर रक्षा केवल एक वर्ष के लिए होती है क्या? वीर रक्षा बहुत गौण अर्थ है ब्रह्मचर्य का, इस बात को जानना चाहिए। है वो अर्थ? नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन मुख्यार्थ छूट गया। गौणार्थ इतना प्रबल हो गया कि बस हद हो गई। तो बोलते हैं कालम संवत्सरम कालम संवत्स्यथ सम्यक गुरु शुश्रूषा पराह संतः वत्स्यथ। वत्स्यथ माने वास करो, रहो, एक वर्ष तक तुम रहो। लेकिन रहो माने केवल दिन यामिन्यव सायं प्रातः नहीं, रहो माने तपस्वी तो तुम पहले से ही हो, उसको बिगड़ने मत देना। दो और चीजों को सिद्ध करो जीवन में, क्या क्या? क्या क्या? श्रद्धया ब्रह्मचर्येणा, ये दो चीज और सिद्ध करो। और अगर तपस्या में कमी है, माने व्यावहारिक संयम में, संतुलन में, मर्यादा में कमी है, उसको बेहतर बनाओ, रोज बेहतर बनाओ, और बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाओ। तो व्यक्तित्व को निखारने की कोई अलग से पाठशाला नहीं होती है। व्यक्ति अपनी विद्या और गुणों के बावजूद इन्हीं चीजों से निखरता है। अगर उसमें आस्तिक की बुद्धि विस्तृत हो रही हो, गुरु का वात्सल्य मिलता जा रहा हो उसको, ध्यान रखना अभिमान में विद्या ठहरती नहीं। जब रेपो नहीं होता तो विद्या का ग्रहण करना इतना आसान नहीं होता। तो ये सब चीजें कहीं न कहीं बहुत सोच के समझ के जीवन के संदर्भ में कही गई हैं। कोई ऋषि बोले तो समझना सोच समझ के कहा है, श्रुति बोले तो फिर तो प्रमाण है। सो संवत्सर संवत्स्य था, तुम रहो यहां पे, हम देखेंगे और तुम भी देखो कि किससे पूछने आए हो। बोलते हैं ततः, अब इसके बाद एक साल तक इस विषय में चर्चा मत करना। ततः इसके बाद यथा कामम यो यस्य कामः, जो जिस कामना से आया है उस कामना को दबाए बिना मुझसे पूछ सकता है। उस कामना को आप छिपाइए मत, दबाइए मत, उस कामना को प्रकट करने में संकोच मत करिए, पूछिए। यथा कामम अनतिक्रम्य, ये लिखते हैं, तम जो जैसी कामना है उसका अतिक्रमण किए बिना कामना को, तो तिरस्कृत किए बिना, उसमें संकोच किए बिना, उस कामना को दबाए बिना, जैसी जिसकी कामना है वैसा मुझसे प्रश्न कर ले। यथा कामम यद विषय यस्य जिज्ञासा तद विषयान प्रश्नान प्रश्नान पृच्छत। जिस विषय में जिसकी जो जिज्ञासा है वो प्रश्न पूछे। यदि तद युष्मत् पृष्टम विज्ञास्यामः, यदि आपके द्वारा पूछा हुआ मुझे ज्ञात होगा तो उत्तर दूंगा। अब भाष्यकार यहां पर सावधान करते हैं,
देखो क्या लिखते हैं। अनुद्धतत्व प्रदर्शनार्थो यदि शब्द न अज्ञान संशयार्थ। गुरु को कोई अज्ञान नहीं है, कोई संशय नहीं है कि पता नहीं क्या पूछ लेंगे, हो सकता है कि हम ना बता पाए। गुरु सर्वज्ञ तुल्य हैं, उनको मालूम है कोई क्या पूछ सकता है। तो ये जो यदि शब्द लगाया वो किस लिए लगाया, बोलते हैं अनुद्धतत्व प्रदर्शनार्थ। उद्धत स्वभाव नहीं है सद्गुरु का, अभिमान नहीं। हां पूछो क्या पूछना है। कल कोई पूछ रहा था ऐसा ना, कोई कल कोई वक्ता जो है वो अच्छा ही है, अपने सहपाठी लोगों को चुनौती भरे शब्द ठीक है, बट अनुद्धतत्व तो देख लो लिखा क्या है। अनुद्धतत्व तो उद्धत स्वभाव का प्रदर्शन कभी नहीं होना चाहिए, इवन गुरु को नहीं करना। ये बोल पिपलाद ऋषि ने कहा, अनुद्धतत्व प्रदर्शनार्थ यदि शब्द न अज्ञान संशयार्थ। सद्गुरु में कोई अज्ञान नहीं है, कोई संशय भी नहीं है। क्यों ऐसा बोल सकते हैं, अब देखो प्रमाण क्या है। प्रमाण यह है कि प्रश्न निर्णयात अवसीयते, क्योंकि जो जो प्रश्न किए गए उन सारे प्रश्नों का निर्णय पिपलाद ऋषि ने किया। यह उपनिषद निर्णय में पर्यवसित हुआ है, अनिर्णय में पर्यवसित नहीं हुआ है। वो सिद्ध ही है, आगे चल करके ही सिद्ध हो जाता है कि ऐसा कोई प्रश्न कोई कर नहीं पाया जिसका उनको उत्तर न मालूम हो। निर्णयात अवसीयते सर्वम हबो वह पृष्ठम वक्ष्यामः इति। अर्थ क्या हुआ, वह मने तुम लोगों का, तुम लोगों के सारे प्रश्नों का उत्तर हम दे देंगे, लेकिन पहले आप लोग एक वर्ष शुश्रूषा पूर्वक और आस्तिक्य बुद्धि का विस्तार करते हुए, आदर बुद्धि का विस्तार करते हुए, देह प्रेम को घटाते हुए कर्तव्य प्रेम को बढ़ाते हुए। देह प्रेम बढ़े तो आदमी फिर आप जानते हो क्या करेगा। ये शुश्रूषा देहाशक्ति को शायद थोड़ा कम जरूर करती होगी, कर्तव्य परायणता देह प्रेम को, अथवा कहिए देह को जो रिझाने की वृत्ति है, रिझाने तो क्या मैं बोलूंगा, क्या बोलना चाहिए, देह के गुलामी करने की जो वृत्ति है ये। मैं रोकते रोकते मैंने कहा चलो बोल ही देते, क्योंकि दास हो जाता है, बुद्धि में आ रहा है ये होना चाहिए ये होना चाहिए, लेकिन देहदास सुधीर दास थोड़ो, वो तो धीर दास है। देहदास ये किसी ब्रह्मचारी का नाम रखना चाहिए, क्यों कैसा रहेगा भाई कालरा जी, देहदास चैतन्य। मैंने किसी दिन किसी का कुछ नाम रखा है ऐसे हास में, तो उसने कहा चैतन्य लगने के बाद ये शब्द संगति नहीं लगती है इसकी। है? बात तो सही है, देहदास के साथ चैतन्य न शोभते। देहदास के साथ थोड़ा सा आप अपभ्रंश करके देवदास बनाया जा सकता है उसके। यशेम देव हितम यद यद वायु
यशेम देवहितम यदायु हो नहीं तो कर्तव्य परायणता जब से ही हमारे जीवन में ऊपर जाती है सुधार स्वरूप सुधार स्वरूप सो बोलते हैं ऐसे रहो तुम थोड़ा रहो एक साल रहो साहब ठीक है एक साल रहेंगे शुश्रूषा करेंगे परिणाम क्या है तनख्वाह वगैरह स्टाइपेंड कुछ होगा क्या माने आजकल के युग में इवन ट्रेनिंग पीरियड में गुरुकुल में नहीं जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ ट्रेनिंग पीरियड में यू हैव टू गिव सम एक तरफ सिखाना है एक तरफ ये होना है वहाँ तो जरूरी है अब ये रहे लोग एक साल रहे महाराज गौशाला में लगाए गए होंगे मेरा मन होता है गौशाला में लगाने का गोबर जब तक न उठाया जाए गाय किसको किसको धोने आता है एक ही आदमी को अरे अच्छा कुछ हैं इसके अधिकारी तो एक साल रहने के बाद सबसे पहले सबसे बाद वाला शिष्य उपस्थित हुआ क्या लिखा बोलते हैं अथक कबंधी कात्यायना पहले मंत्र में कौन था आखिरी कबंधी कात्यायना तो सबसे अंतिम जो शिष्य है जो बाद में जिसका उल्लेख हुआ उन्होंने सबसे पहले प्रणिपात किया आकर के एक दिन प्रातः काल संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर के और बोले प्रभो मेरा प्रश्न है अब उपनिषद का मूल विषय आरंभ होता है इस उपनिषद की जो बहुत विशेषता मैं मानता हूँ थोड़ा सा लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है आप पहले से जान लो मुझे नहीं मुझे बहुत प्रिय है इसमें वेदांत के प्रकरण ग्रंथों में जो विषय आए हैं बहुत व्यवस्थित करके तो वो प्रकरण ग्रंथ तो प्रमाण नहीं होते चाहे वेदांत सार हो या तत्वबोध हो या और कोई ग्रंथ हो वो सब की सब चीजें कहीं कहीं उपनिषदों में प्राप्त होनी चाहिए प्रकरण ग्रंथ एक अरेंजमेंट जरूर हो सकता है विषय को आप सुव्यवस्थित जरूर कर सकते हो पहले अधिकारी होगा फिर विषय होगा फिर ये होगा फिर ये होगा लेकिन वो जो बात कही जा रही है उसका सोर्स क्या है जो वेदांत सार में अथवा तत्वबोध में अथवा आत्मबोध में अथवा किसी और बड़े से बड़े प्रकरण ग्रंथ में जो बात हमको कही जा रही है उसका स्रोत कोई उपनिषद होना चाहिए तो ये आपको जो उपनिषद प्राप्त हुआ उसमें बहुत सी ऐसी बातें हमको देखने को मिलती हैं जिनका हम प्रकरण ग्रंथों में अध्ययन कर चुके हैं थोड़ा अधिक व्यवस्थित रूप से इसका मतलब यह हुआ कि यहां उतना व्यवस्थित रूप से शायद आपको न मिले लेकिन चूंकि आप पढ़ चुके हो एक व्यवस्थित रूप से इसलिए उसको आप यहां लगा सकते हो सो प्रकरण ग्रंथ का उपयोग यहां पर मिल जाएगा एक दूसरा प्रकरण ग्रंथों की बात की प्रामाणिकता यहां पर मिल जाती है और अपूर्वता इस ग्रंथ में बहुत है सृष्टि प्रकरण अभी तक हमने कायदे से देखा जाए तो न ईशावास्य में आया न केनोपनिषद में आया न कठोपनिषद में आया सृष्टि प्रकरण वेदांत का यस आपने वेदांत सार में थोड़ा पढ़ा मैंने उसी में सबसे ज्यादा पढ़ा होगा आत्मबोध में थोड़ा लेकिन यहां पर मैंने पहला प्रश्न ही सृष्टि प्रकरण से शुरू होता है
सो बहुत सावधानी से बिना माने अगर कहीं जटिल लगे तो आप पूछ लेना, लेकिन बिना अधीर हुए इसको समझना है। वेदांत के बहुत से विद्यार्थी सृष्टि प्रक्रिया से भागते हैं, वो उस प्रकरण को समझना नहीं चाहते, तो वो नहीं होना चाहिए। देखिए, अथ कबंधी कात्यायनः उपेत्य पप्रच्छ भगवन् कुतो हवाइमाः प्रजाः प्रजायन्त इति। अथ कबन्धि कात्यायनः उपेत्य पप्रक्ष भगवन् कुतो हवाइमाः प्रजाः प्रजायन्त इति। प्रजायन्त इति। अथ संवत्सरादूर्ध्वं कबन्धि कात्यायनः उपेत्योपगम्य पप्रच्छ पृष्टवान्। हे भगवन् कुतः कस्माद्धवायिमा ब्राह्मणाद्या प्रजा प्रजायन्त उत्पद्यन्ते। अपरविद्या कर्मणोः समुच्चितयोर्यत्कार्यं या गतिस्तद्वक्तव्यमिति तदर्थोऽयं प्रश्नः। अथ, अथ मने ये श्रुति का ही शब्द है, अथ इसके बाद आनंतर्ये, अथ शब्द का अर्थ क्या है, आनंतर्ये इसके बाद, किसके बाद, संवत्सरात ऊर्ध्वम, एक वर्ष बड़ी ही सफलतापूर्वक गुरुकुलवास के पश्चात। कबंधी कात्यायनः, ये जो कात्यायन कबंधी हैं, ये महर्षि पिप्पलाद के समीप गए। उपेत्य उपगम्य, तो गए, प्रणिपात किया, प्रश्न किया। पप्रच्छ पृष्टवान, क्या पूछते हैं, हे भगवन, संबोधन देखना, भगवन श्रुति का शब्द है, भगवन, हे भगवन, कुतो हवाइमाः प्रजाः प्रजायन्त इति। कुतः मने कस्मात्, हवा इमाः, इमाः प्रजाः, इमाः शब्द का अर्थ है ब्राह्मणाद्याः, मने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अर्थात मनुष्य जाति, और उसके अलावा फिर बाकी सारी की सारी सृष्टि, मनुष्य सहित सारी जो प्रजाएं हैं वो किससे उत्पन्न हुई, ये प्रश्न है। प्रजाः उत्पद्यन्ते, इस प्रश्न की गरिमा को थोड़ा ध्यान में रखें। गुरुदेव ने एक टॉक दी लॉजिक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, लॉजिक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वो कैसेट होगा, कभी हम आपको सुनाएंगे, सभी लोगों को अंग्रेजी आती नहीं। मैंने उनके मुख से मेरे ख्याल से दो बार सुना होगा इसको, तो उसमें एक बड़ा ही प्रबल वाक्य है, क्या बोलते हैं वो कि
कॉज हंटिंग इज द ओनली ऑक्यूपेशन ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्ट. कॉज हंटिंग इज द ओनली ऑक्यूपेशन, कारण की खोज करना मनुष्य की बुद्धि का एकमात्र उद्देश्य है. एकमात्र क्षेत्र है कारण की खोज करना. बस द फंक्शन ऑफ इंटेलेक्ट इज कॉज हंटिंग. बुद्धि का व्यवहार क्या है, बुद्धि का धर्म क्या है, हिंदी में बोले तो बुद्धि का एक ही धर्म है कारण की खोज करना. क्या अभिप्राय निकला, अब उसका विस्तार करते हैं गुरुदेव. कि देखो, बरसात हुई तो बुद्धि को प्रश्न आना स्वाभाविक था कि ये बरसात क्यों हुई, पहले तो नहीं हुई थी, अब क्यों हुई, गर्मी क्यों आ गई, सर्दी क्यों आई, पेड़ों में पत्ते क्यों गिरने लग गए, क्यों नए आ गए, यही प्रश्न है. कारण की ओर बुद्धि जा रही है. जब इस कारण की उसने खोज की तो भूगोल बन गया. पृथ्वी में परिवर्तन क्यों आ रहे हैं, नदियां कहां से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, लेकिन यहीं से क्यों आ रही हैं. तो जब कारणों की खोज में बुद्धि प्रवृत्त होती है तो ज्ञान की एक एक धारा बनती चली जाती है. भूगोल एक ज्ञान की धारा है. इसी तरह से कोई नक्षत्रों में इंटरेस्टेड हुआ, ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, खोज आरंभ करी, खगोल शास्त्र बन गया. देह में बीमारी क्यों आई, ये बच्चा क्यों बड़ा हुआ, ये गर्भ में कैसे आया, गर्भ में कैसे बना, बुद्धि का धर्म क्या है. अगर आप ध्यान दें तो एक ही धर्म है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है. जब इस क्यों की खोज में वो लगता है, सचमुच में लगता है, तो मेडिकल साइंस निकल आई, ज्ञान की एक धारा और प्रकट हो गई. इसी तरह से ह्यूमन हिस्ट्री, ये यहां का आदमी ऐसा वस्त्र क्यों पहनता है, उसकी ऐसी सोच क्यों है, उसका ऐसा व्यवहार क्यों है, उसकी ऐसी इकोनॉमी क्यों है. खोज करने चले तो पता चला कि हिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल. तो एक ज्ञान धारा निकली, उसका नाम हुआ इतिहास. इसी तरह से सैकड़ों ज्ञान धाराएं प्रकट हो गईं और सभी ज्ञान धाराओं का एकमात्र स्रोत है कारण की खोज. यह बात अलग है कि हम किस कारण के तरफ रुचि रखते हैं तो हम उसी विद्या की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे. और ध्यान रखना, जो चीज इस क्यों को रोकती है वो मानो हमारे ज्ञान को रोकती हो. और कौन रोकता है उसको, माई रॉन्ग प्रायोरिटीज. वो बोले कि जब व्यक्ति के ऊपर कर्तव्य का, दायित्व का भार जब बहुत बढ़ जाता है तो बोले कि अब एक चीज, तीन चीज याद रही हैं तिवारी जी, है? नून, तेल, लकड़ी. देहाती भाषा में बोलते हैं नमक, तेल, लकड़ी. माने अभिप्राय है जो घरेलू बातें हैं वो चित्त पर इतना अधिक प्रभावी हो जाती हैं कि जो बच्चा हर चीज में पूछ रहा था क्यों क्यों क्यों, क्या है क्या है, छोटा बच्चा हमेशा पूछता रहता है ये क्या है, ये क्या है, ऐसा क्यों है. लो, पिताजी झुंझला जाते हैं,
उसके मन में क्यों क्यों बहुत है, लेकिन जैसे ही उसके चित्त पर वो सारी वजन रखे जाते हैं, 10-10 किलो, फिर 20-20 किलो, बस वो सारा सारा क्यों क्यों म्यों 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 बदलता चला जाता है बेचारा। ही बिकम्स द आम आदमी, दिस इज द होल स्टोरी ऑफ ए आम आदमी। खास आदमी कौन है जिसका क्यों क्यों म्यों म्यों में नहीं बदलता? वो साइंटिस्ट बनता है, वो हिस्टोरियन बनता है, यू नो, वो रिसर्च स्कॉलर बनता है। तो ये एक एक विषय निकलते हैं कारण की खोज से। एक छोटा सा कोई घटना घटी है, क्यों हुआ, खोज करी एक साइंस, सेव नीचे क्यों गिरा, एक एक ज्ञान प्रकट हो गया। तो इस विषय को लेके गुरुदेव बात करते हैं, लॉजिक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का तर्क क्या है। उनका कहना है कि ये छोटे छोटे विषय में क्यों प्रश्न करना लोगों को बड़ा वाजिब लगता है, उचित लगता है। कोई ऐसा भी अंतःकरण हो सकता है जो ऐसा प्रश्न करे कि ये सारी सृष्टि कहां से आई, नदी नहीं, बरसात नहीं है, ये शरीर में एक बीमारी नहीं। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन सच ए स्मॉल एरिया कि ये सेब क्यों नीचे गिरा। वो कहता है ये सारी सृष्टि नीचे कहां से आ गई, सेव नहीं, सेव की जगह सृष्टि। तो बोले चूंकि विषय इतना बड़ा हो जाता है कि ये जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट हैं वो पगला जाते हैं, ये गुरुदेव की बात है। दे इमीडिएटली से दिस इज इलॉजिकल, द वेरी क्वेश्चन इज इलॉजिकल बिकॉज इट इज टू बिग। ये कैसे बोल सकते हो छोटा प्रश्न लॉजिकल है और बड़ा प्रश्न इलॉजिकल है? तो उपनिषद के शिष्य का प्रश्न देखो आप, उपनिषद के शिष्य का प्रश्न ये नहीं है कि पतझड़ क्यों आती है, गर्मी सर्दी क्यों आती है। क्या प्रश्न किया उन्होंने? कुतो हवा इमाः प्रजाः प्रजायन्ते, ये सारी की सारी प्रजा, ये सारी की सारी सृष्टि है प्रभो कहां से उत्पन्न हुई है? ये हुआ ना प्रश्न। फिर सदगुरु ने सुना उसको, बोले उसका उत्तर तो मैंने वादा किया था कि मैं दूंगा, तो ये सृष्टि प्रकरण शुरू होता है। भाष्यकार कहते हैं इस प्रश्न का एक मुख्य अभिप्राय है, अपर विद्या और कर्म के समुच्चय से होने वाली जो गति है उसका वर्णन करना। इस प्रश्न के पीछे एक बहुत बड़ा अभिप्राय ये है, लिखते हैं, अपर विद्या कर्मणो हो समुच्चितयो हो यत कार्यम या गति ही तद वक्तव्यमिति तदर्थोयम प्रश्नः। अने समुच्चय का परिणाम क्या होता है यह बताने का भी भाव श्रुति माता के मन में है, तो इस प्रश्न के जरिए ये विषय भी श्रुति माता बताने वाली हैं। ओम ओम तत्सत। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
पश्यते ॐ शांति 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 हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ